नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आपका स्वागत है हमारे चैनल ट्रिक्स अड्डा में। आज मैं आपको बताने वाला हूं अकबर के शासनकाल के नौ रत्नों के नाम याद करने का एक शानदार ट्रिक जो बहुत ही आसान है। तो चलिए चलते हैं बिना किसी देरी के। अकबर के शासनकाल के नौ रत्नों के नाम याद करने का एक शानदार ट्रिक है। उस ट्रिक को आप याद कीजिए, आपको हमेशा याद रहेगा कि अकबर के शासनकाल के नौ रत्नों के नाम क्या हैं। तो ट्रिक आपका है बैट बैट एम डी एच। भाइयों आप लोग सोच रहे होंगे कि ये कौन सा सेंटेंस है बैट बैट एम डी एच। आप थोड़ा गौर कीजिए, आप जब मार्केट जाते हैं कोई मसाला खरीदने, आप दूसरा मसाला मत लीजिए, जो राजेश मसाला होता है, एवरेस्ट मसाला होता है, ये सब मसाला आप मत लीजिए, आप एमडीएच मसाला लीजिए। एमडीएच मसाला लेंगे को आपको याद रहेगा कि एमडीएच मसाला कोई होता है, उससे क्या होता है, सब्जी बनता है, सब्जी खाते हैं आपके अंदर फुर्ती आती है, फुर्ती होती है तो आप मैच खेलने जाते हैं, मैच खेलने जाते हैं तो आप किसका प्रयोग करते हैं, बैट का प्रयोग करते हैं। तो आप अपने खेल से और खाने का संबंध बना के रखिए, ध्यान में रखिए कि हम खाना खाते हैं तो एनर्जी मिलती है, एनर्जी मिलती है तो हम खेलने जाते हैं, क्या खेलने जाते हैं, बैट बॉल खेलने जाते हैं। तो उस बैट से और इस एमडीएच से अगर आपका ताल्लुक रहेगा तो आपको हमेशा याद रहेगा बैट बैट एमडीएच। तो बैट बैट एमडीएच का ये बैट बैट एमडीएच ट्रिक से आपको हमेशा याद रहेगा नौ रत्नों के नाम। बी मतलब आपका हो गया बीरबल, ए मतलब आपका हो गया अब्दुल फजल, टी मतलब आपका हो गया तानसेन, बी आपका हो गया भगवान दास, ए आपका हो गया अब्दुल रहीम, टी आपका हो गया कोडरमल, यह मतलब आपका हो गया मानसिंह, डी मतलब क्या हो गया मुल्ला दुपाजा, मुल्ला दुपाजा, एच मतलब आपका हो गया हकीम हकाय। आप इसमें मुल्ला दो प्याजा में आप एक चीज जा सकते हैं, अगर आप लोग मुल्ला दो प्याजा, आप चिकन मटन कुछ भी लाते हो तो उसका एक शानदार डिश है बनाने का दो प्याजा, दो प्याजा एक ये भी है खाना बनाने का, उस बहुत टेस्टी होता है जो बनता है, दो प्याजा डिश बनता है बहुत ही टेस्टी होता है। तो आपको नाम चलिए हटाइए ये सब चीज, दो प्याजा हो जा, अब आइए टॉपिक पे। देखिए नाम आपके ये है बैट बैट एम डी एच, बी आपका हो गया बीरबल, ए आपका हो गया अब्दुल फजल, टी आपका हो गया तानसेन, बी आपका हो गया भगवान दास, ए आपका हो गया अब्दुल रहीम, टी आपका हो गया टोडरमल, यम आपका हो गया मानसिंह, डी आपका हो गया मुल्ला दो प्याजा, एच आपका हो गया हकीम हकाय। कितना आसान सा ट्रिक है, आप बैट बैट एम डी एच याद रखिए, आपको हमेशा याद रहेगा अकबर के शासनकाल में नौ रत्नों के नाम। और एमडीएच मसाला आप लेते हैं उसको खाते हैं, आपके अंदर फुर्ती आती है तो आप खेलने जाते हैं, बैट बॉल खेल के आते हैं, तो आप उस बैट का उस एमडीएच का ताल्लुक अपने दिमाग में रखिए, आपको हमेशा याद रहेगा कि अकबर के शासनकाल में नौ रत्न कौन कौन है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।